महागठबंधन के प्रत्याशी सह मंत्री हफीजुल के समर्थन में प्रचार करने जा रहे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान शहर के सर्किट हाउस में मंत्री गुप्ता का स्वागत सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, कांग्रेस नेता नवीन आनंद और डॉक्टर आशीष मोहन सिन्हा ने बुके देकर किया। राजनीतिक विचार विमर्श के बाद परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता केंद्र के मोदी सरकार पर जमकर बरसे, लेकिन राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कई सवालों पर कन्नी काटी। वहीं कोरोना काल के दौरान पूरे सूबे में आईसीयू के कितने बेड बढ़ाए गए, इनके आंकड़े की जानकारी होने से भी स्वास्थ्य मंत्री ने हाथ खड़ा कर दिया। जाहिर है कि जब स्वास्थ्य मंत्री के पास आईसीयू बेड के बढ़े हुए आंकड़ों की जानकारी नहीं है तो सूबे की स्वास्थ्य सुविधा कितनी ही दुरुस्त हो पाएगी, यह समझा जा सकता है। और ना ही हम भाजपा की तरह जो है बड़बोले नेता हैं, लेकिन हम अपने सरकार के जो काम करने के तौर तरीके हैं और जो हमारा जो है हवाई किला बनाने का इरादा नहीं है, धरातल पर रहना है, जमीन का काम करना है, धरती पुत्र का काम करना है और झारखंड की आवाज़ को बुलंद करना है। तो जो हमारे विजन है, जो हमारा सोच है, वो सारा क्लियर है। तो कहने का अभिप्राय है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सौतेला व्यवहार कर रही है, ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। और पता नहीं इनके सांसदों को हमसे तो चलिए राजनीतिक बैर हो सकता है, राजनीतिक मतांतर हो सकता है, लेकिन झारखंड की जनता से क्यों ये राजनीतिक मतांतर कर रहे हैं? क्यों नहीं एक भी सांसद जो है इनका, एक भी सांसद, एक भी विधायक क्यों नहीं जाके प्रतिनिधिमंडल जाके मिलता है और जाके मिल के इनकी जो केंद्र की सरकार है उसमें दबाव बनाना चाहिए कि झारखंड के लोगों को, अभी वर्तमान में ही 83 लाख लोग हैं, तो 83 लाख इंटू टू मतलब कम से कम 1,60,00,000 से ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत है। तो हम तो वैक्सीन देने के लिए जगह जगह सेंटर हमारा बंद हो जा रहा है, क्या करेंगे? लेकिन दूसरे लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं कमी नहीं है, कमी नहीं है, लापरवाही बढ़ती जा रही है। जबकि कल भी पीएम सुझाव में कहे थे कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर उनके आवश्यक कार्य किया गया था, तो ऐसा लापरवाही प्रशासन का स्तर पर नहीं। अब पीएम साहब तो रोज़ हम लोग को वीसी में बैठा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की घुट्टी पिला रहे हैं। क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की घुट्टी से हमारे राज्य का ठीक हो जाएगा? क्या हमारे राज्य का ये थाली बजा के अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने से ठीक हो जाएगा? हमको जो चीज़ की आवश्यकता है, हमको आवश्यकता है वेंटिलेटर की, हमको आवश्यकता है अभी ऑक्सीजन का, हमको जो है लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है जबकि हमारा पीएसए होके रेडी पड़ा हुआ है, 4 के 4 अस्पताल का, हमको जो है सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, हमारा जो है जीएसटी का पैसा नहीं दिया जा रहा, हमारा जो है कोयला का रॉयल्टी नहीं दिया जा रहा, उल्टा हमारा जो है डीवीसी का पैसा जो पूर्व की सरकार ने लूटा घसूटा वो हम लोग के माथे से काट भी लिया। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जनहित का पैसा को सीधे आरबीआई से छीन लेने का काम केंद्र सरकार ने किया है।
इस कोरोना काल में लगभग एक साल का समय मिला, कितना आईसीयू बेड आपने बढ़ाया, कितना वेंटिलेटर बढ़ाया, जिला वाइज का सब कुछ है? जिला वाइज तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। इधर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने कहा कि हालात को देखते हुए राज्य में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाई गई है। हालांकि मंत्री ने कहा कि स्थिति को देखते हुए ही कोरोना काल में 560 वेंटिलेटर खरीदा गया, तो अतिरिक्त वेंटिलेटर खरीदने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। लेकिन गिरिडीह में ठप पड़े आईसीयू सुविधा बहाल किए जाने से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि संक्रमण की दूसरी लहर घातक जरूर है, लिहाजा प्रयास हो रहा है जल्द ही गिरिडीह में आईसीयू की सुविधा दुरुस्त हो सके। बातचीत के क्रम में मंत्री गुप्ता ने पूर्ववर्ती रघुवर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिन हालातों में हेमंत सरकार को शासन मिला वह बेहद कष्टदायी है, क्योंकि सबसे बदहाल स्वास्थ्य विभाग ही था, जिसे अब दुरुस्त करने की प्रक्रिया का काम चल रहा है। मंत्री ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बगैर केंद्र सरकार के सहयोग के कोरोना के दूसरे संक्रमण से पहले राज्य में 15,000 बेड लगाए गए। कोरोना के दस्तक देने के वक्त राज्य में एक भी RT-PCR लैब नहीं था, और अब 7-7 RT-PCR लैब है, तो RT-PCR के 28 मशीन से कोरोना के सैंपलों की जांच की जा रही है। 137 ट्रूनेट मशीन शुरू किए गए हैं और संसाधनों को बढ़ाते हुए 192 कोविड सेंटर चालू किया गया। राज्य के प्राइवेट नर्सिंग होमों की मनमानी से जुड़े सवालों पर मंत्री ने कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हर प्राइवेट नर्सिंग होम को सख्त निर्देश दिया गया है कि आपदा को कोई नर्सिंग होम अर्थात दोहन का मौका नहीं बनाए। एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में जितने प्रावधान हैं, उन तमाम प्रावधानों का पालन हर नर्सिंग होम को करना पड़ेगा। बढ़ते संक्रमण और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने को लेकर गिरिडीह प्रशासन द्वारा किए जा रहे लापरवाही को लेकर मंत्री ने कहा कि हालात कुछ खराब जरूर हुए हैं, लेकिन लोग हेमंत सरकार पर भरोसा करें। कहा कि स्थिति को सामान्य करने को लेकर पूरी ताकत झोंकी जाएगी। वैसे इलाकों को चिन्हित किया जाएगा जहां कोरोना का प्रभाव सबसे अधिक है, ऐसे में माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर भी तेजी से काम किया जाएगा। जिस समय पूर्व की सरकार थी एक भी RT-PCR नहीं था, लिखिए आप लिखना चाहते हैं, एक भी RT-PCR लैब स्थापित नहीं थे। हमने 7 जगह RT-PCR लैब स्थापित किए, 28 RT-PCR मशीन लगाई हैं, 197 हमने ट्रूनेट मशीन स्थापित किया है, और हम जितनी तेज गति से बिना केंद्र की मदद के भी हमने जो है सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया, और जो ग्राफ 1 लाख कुछ से घट के 400 में आके अटक गया था, लेकिन ये दूसरा जो चक्र आया है इस चक्र में अभी 9,200 के करीब मरीज पहुंचे। तो निश्चित तौर पर जो वेंटिलेटर की ज़रूरत है, अभी भी हम करीब 5,000 बेड बढ़ाने जा रहे हैं, और वर्तमान में 160 हमारे सेंट्रल 160 हमारे ये हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ कोविड सेंटर है 160 नहीं नहीं नॉट 192 हैं, 192 हैं, और करीब हम 15,000 बेड बढ़ा चुके हैं। और अभी कल ही हमने सारे प्राइवेट जितने भी अस्पताल हैं उनकी भी मीटिंग की थी, और उनसे हमने 3-4 चीज़ें कहा है। पहला तो ये कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का अक्षरशः पालन होगा। उस एक्ट में ये साफ प्रावधान है कि आपको साफ सुथरे अक्षरों में बड़ा बड़ा डिस्प्ले करना है कि आपके अस्पताल की टैरिफ क्या है, और फिर आपको अपनी वेबसाइट में सारा चीज़ को अपलोड करना है। इसके साथ में जो कोविड के लिए जो हमारी सरकार ने जो टैरिफ निर्धारित की है उस टैरिफ को भी आपको लिखना है, ताकि जनता को ये समझ में आना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है आपदा का जो अवसर वो अर्थ दोहन का अवसर ना बन जाए। इस पर भी हम गंभीरता पूर्वक काम कर रहे हैं। वेंटिलेटर का जवाब, वेंटिलेटर करीब अभी हम लोग ने 560 तो पिछले बार ये किया, और अभी हम लोग और आगे जो है वेंटिलेटर जो है क्रैक करने जा रहे हैं। 560 वेंटिलेटर तो बीच में कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, और हम लोग उसको करने जा रहे हैं, अपग्रेड करने जा रहे हैं। आईसीयू कितना बढ़ा हुआ है? आईसीयू अब एग्जैक्ट आपको मैं नहीं बता सकता। मंत्री जी, गिरिडीह में आईसीयू, यहां एक भी आईसीयू चालू नहीं,
मैंने गिरिडीह में पिछले बार भी जो डीसी थे उनको ये निर्देश दिया था कि रात को दवाई की समस्या लोगों ने बताई थी मुझे, तो मैंने वो निर्देश दिया था और शायद संभवतः दवाई बिक्री चालू हो गई है। ठीक है, आप इस चीज़ को भी देखिए कि हम जब आए थे तो हमने निर्देश दिया और हम बहुत जल्दी धनबाद के लिए, अभी धनबाद में तुरंत जो है अभी 8.5 करोड़ रुपया हमने सदर अस्पताल के लिए फिर से दिया। इधर सर्किट हाउस पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह, अजय सिन्हा मंटू, प्रोफेसर मुकेश साहा, बलराम यादव, मदन विश्वकर्मा समेत काफी कांग्रेसी नेता मौजूद रहे।